भाई सीजन 11 से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा सैड न्यूज़ आया है जो कि मुझे भी बहुत निराश कर दिया, जो देख के मैं बहुत निराश हो गया। वो ये है कि सीज़न 11 के लिए हम लोग को कोई भी अलग सा पर्टिकुलर टेस्ट सर्वर देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ गाइस, सीज़न 11 में इन लोग कोई भी टेस्ट सर्वर का प्लानिंग नहीं किए हैं, ना ही हम लोग को देने वाले, क्योंकि इनका कहना है कि सीज़न 11 में इन लोग का फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो एनिवर्सरी में ये जो भी चीज़ें देंगे उसको ये सीक्रेट रखना चाहते हैं, पहले लीक नहीं करना चाहते हैं, जो भी देंगे वो हम लोग को सरप्राइज देंगे। लेकिन इन लोगों ने ये भी बोला है कि टेस्ट सर्वर तो हम लोग नहीं देंगे, लेकिन अक्टूबर के 1 अक्टूबर को इन लोग कुछ टीज करने वाले हैं, और अक्टूबर में काफ़ी कुछ टीजर्स भी आने वाला है कि हम लोग को क्या चीज़ मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, उसका काफ़ी सारा हिंट्स इन लोग देने वाले हैं टीजर से। सो गाइस, सीजन 11 में क्या क्या चीज़ें आने का चांसेस है? तो जहाँ तक मुझे लगता है, अभी कॉल ऑफ ड्यूटी टीम की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है, ना ही कोई ऑफिशियल ऐसा हिंट आया है जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हम लोग को क्या एक्चुअली सरप्राइज मिलने वाला है। लेकिन मैं अगर अपना ओपिनियन बताऊँ, मुझे जहाँ तक लगता है तो कुछ चीज़ें आने का चांसेस है, जहाँ तक मुझे लगता है, जिसमें से पहला चीज़ है एक न्यू बैटल रॉयल मैप। जी हाँ गाइस, एक न्यू बैटल रॉयल मैप आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि एक साल गेम का होने वाला है और अभी तक हम लोग एक ही मैप आइसोलेटेड में ही खेलते रहते हैं, जो कि खेलते खेलते काफ़ी बोर हो चुके हैं। मैं तो काफ़ी बोर हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी खेलता हूँ क्योंकि मज़ा तो आता है, लेकिन फिर भी एक नया मैप तो चाहिए ना यार, क्योंकि एक साल हो गया गेम का। जबकि मल्टीप्लेयर में तो हर महीना एक दो मैप आ ही जाता है, अभी तो दो दो आ जाता है, पहले तो एक आता था, अभी तो दो दो आ जाता है। तो जबकि मल्टीप्लेयर में इन लोग इतना फोकस कर सकते हैं, तो बैटल रॉयल में क्यों नहीं, हम लोग को एक न्यू बैटल रॉयल मैप तो दे ही सकते हैं, जबकि इन लोग का एनिवर्सरी है। तो इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है एक न्यू बैटल रॉयल मैप आ सकता है। दूसरा जो चीज़ आ सकता है वो है जोम्बी मोड, क्योंकि जोम्बी मोड जो है वो लगभग 6 महीना हो गया गेम से रिमूव हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका लोड आउट रिमूव नहीं हुआ है, क्योंकि जब कॉल ऑफ ड्यूटी टीम इसको रिमूव किए थे तो उस टाइम बोले थे कि हम लोग इसको दोबारा से रिटर्न देंगे गेम में, अच्छे से ऑप्टिमाइज करके और ज़्यादा बेहतर बना के देंगे। तो जोम्बी मोड का भी एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएटेड है, लेकिन जोम्बी मोड आएगा कि नहीं आएगा वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ आया नहीं है। लेकिन ट्विटर पे इन लोगों ने बोला था कि हम लोग इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते। याद रखना, इन लोग नो नहीं बोले थे डायरेक्टली, बस यही बोले थे कि इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते जोम्बी मोड से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं जोम्बी मोड भी आ सकता है, क्योंकि इन लोग बोले हैं कि सरप्राइज देंगे। और तीसरा जो चीज़ मुझे लगता है कि आने वाला है वो है कि नाइट मोड। और नाइट मोड बोले तो एक तरह से कंफर्म हो ही चुका है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के सीज़न 11 में, क्योंकि काफ़ी ऐसे लीक्स आए हैं, हिंट्स आए हैं, जिससे हम लोग को ये सिग्नल मिला है कि नाइट मोड जो है वो हम लोग को कॉल ऑफ ड्यूटी का सीज़न 11 में मिल ही सकता है, इसका 100% चांस है, क्योंकि ऐसे बहुत सारा लीक्स और हिंट्स आया है। और नाइट मोड बोले तो मैं पहले भी खेल चुका हूँ, जब स्टैंड ऑफ मैप में नाइट मोड आया था तो उस टाइम मैं खेल चुका हूँ हेलोविन के टाइम। लेकिन नाइट मोड अगर मल्टीप्लेयर में आता है तो वो मेरे लिए उतना बड़ी बात नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले भी खेल चुका हूँ। अगर नाइट मोड बैटल रॉयल में आता है तो वो मेरे लिए बड़ा बात होगा, क्योंकि बैटल रॉयल में नाइट मोड अब तक कभी भी नहीं आया है। तो ये एक ग्रेट रिवोल्यूशन होगा अगर बैटल रॉयल में नाइट मोड आता है तो, और बहुत ही बड़ा सरप्राइज भी होगा। यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि सीज़न 11 में इन लोग कुछ बहुत अमेजिंग एक्साइटिंग लाने वाले हैं, जो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, खासकर उन लोगों को जिन लोग गन्स का ब्लूप्रिंट को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, गन्स को मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मे बी वो गन्स का कैमो से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या फिर गन्समिथ से रिलेटेड कुछ हो सकता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा न्यूज़ जो कि इन लोग अपने कम्युनिटी अपडेट में बताए हैं कि बग से रिलेटेड इन लोग को बहुत सारा कंप्लेंट्स आता है कि गेम में बहुत ज़्यादा बग्स है, और बग्स तो है ही, बग्स ग्लिचेस बहुत सारा है, तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारा कंप्लेंट्स उन लोग को आता है। तो इस वजह से उन लोगों ने बोला है कि बग्स को फिक्स करना डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत मुश्किल से एक एक बग्स को ढूंढना होता है, फिक्स करना होता है, तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग काम है हर एक डेवलपर के लिए। तो इस वजह से इन लोगों ने बोला है कि अपडेट्स आने के बाद उसमें काफ़ी सारे बग्स घुस जाते हैं, तो उसको फिर से फाइंड करना होता है, फिर फाइंड करके उसको सॉल्व करना होता है, फिक्स करना होता है। तो इस वजह से इन लोगों ने बोला है कि अब से अगर जो भी अपडेट आएगा तो उसके बाद उन लोग सर्वर को क्लोज करेंगे कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए सर्वर को अंडर मेंटेनेंस पे रखेंगे,
जैसे काफ़ी सारे गेम्स में होता है कि पहले क्लैश ऑफ क्लैन में भी होता था कि अपडेट आने के बाद सर्वर मेंटेनेंस में चल जाता था, तो वैसा ही इन लोग करने वाले हैं, सर्वर को अंडर मेंटेनेंस रख के जो भी बग्स है उसको उन लोग अच्छे से रिव्यू करेंगे और उसको फिक्स करेंगे, तुरंत से उसको फिक्स किया जाएगा ताकि उसके यूज़र्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। साथ ही में इन लोग ये भी बोले हैं कि इन लोग बैटल रॉयल यूआई और गन्समिथ में भी कुछ चेंजिंग करने का प्लानिंग किए हैं, और साथ ही में ढेर सारा चेंजिंग भी इन लोग करने का प्लानिंग किए हैं। और रिसेंटली ये न्यूज़ भी आया था कि गन्समिथ 2.0 आने वाला है, मतलब गन्समिथ का 2.0 वर्जन आने वाला है, और साथ ही में इन लोग बैटल रॉयल में काफ़ी कुछ फिक्स करेंगे, बैलेंस अपडेट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि गन्स फंस सब इधर उधर हो चुका है, रिकॉयल बढ़ चुका है, फायरिंग रेट कम हो चुका है, स्कोप ढंग से नहीं मिलता है, तो इन सब चीज़ों को एकदम बैलेंस किया जाएगा सीज़न 11 में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बस गाइस इतना ही था आज के लिए, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें था वो मैं आप लोग को बता दिया, बाकी जो था वो उतना कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं, वो जस्ट बग फिक्सिंग से रिलेटेड था, लाइक डीसिंक इशू, लैग वगैरह इन सब से रिलेटेड था, और उसके अलावा जो था वो रिवॉर्ड से रिलेटेड था, लाइक लकी ड्रॉज या फिर जो भी अभी मैक्रोव इवेंट आया है उससे रिलेटेड था, तो वो उतना कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं, जो जितना इम्पोर्टेंट था मैं आप लोग को बता दिया। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग को तो पता ही है वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना है, और जो जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है इस पर नोटिफिकेशन और ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को फ्यूचर में भी ऐसी ही गेमिंग वीडियोज़ मिलते रहेंगी।